Good morning, dear students. In this way, up to yesterday we have completed our moving charges and magnetism, and today we will start with the next topic, which is coming under once again the magnetism, but it is not your regular magnetism, it is a classical magnetism. So pehle wale topic mein we have studied about the properties of the current carrying conductor, properties of the solenoid, properties of the toroid, how they can be producing the magnetic field, magnetic dipole moment for the coil we have learned. So all the properties, magnetic properties related with current carrying conductor we have learned. Now it is the time to go for our magnetism and matter. So not only for current carrying conductor, but naturally how we are getting the magnetic properties in the given substance, how our Mother Earth is having those magnetic properties, how we can use navigations by using the magnetic properties, by using the compass, by using the needle, like that. So everything about the magnetism of matter, that's why the name itself tells you it is the magnetism and matter. So इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे प्योर क्लासिकल मैग्नेटिज्म. इसको बोलते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म. सो बेटा, बिफोर गोइंग टू द क्लासिकल मैग्नेटिज्म, लेट मी डिक्लेयर डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्लैब आई एम गेटिंग फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, I'll be continuing with the problems on moving charges and magnetism, because next Sunday maybe your exam will be there, major test. So additionally I'll be posting you some small videos of problem solving. Video may be of 10 minutes, it may be of 15 minutes. जैसे मेरे को हो जाएगा वैसे वीडियो करते जाऊंगा, और इस वीडियो के साथ साथ उसको डालूंगा. आप क्या करिए, आपका सब स्टडी ये हो जाने के बाद आपको जो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है, फॉर दैट प्रैक्टिस यू मे यूज दोज प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस. इज दैट क्लियर टू यू? आज भी शायद मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा. उसके साथ साथ आई हैव गिवन यू द शीट, वो शीट भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट लेके आपको उस हिसाब से वो शीट में से आपको आपका काम करना पड़ेगा. तो पहले आपका एग्जाम के लिए बता देता हूँ, फिर से अपना टॉपिक को चालू करता हूँ. एग्जाम के लिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है. पहले आपको निकालना है बायोट सेवर्ट्स लॉ, उसका एप्लीकेशन जो आप रेगुलरली करते हैं. एप्लीकेशन मतलब करंट कैरिंग कॉइल एक्सियल के लिए करना है. आपको चाहिए तो नोट डाउन करके ले लो. पहले बायोट सेवर्ट्स लॉ, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकते हैं, थियोरेटिकल, ग्राफिकल, फॉर्मूला के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर. बाद में आपका आएगा करंट कैरिंग कॉइल, सिंगल टर्न, एन टर्न्स ऑन द एक्सिस एट एनी डिस्टेंस एट द सेंटर. तो कॉइल के लिए दो तीन केस आता है, उसके ऊपर आएगा. उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वो फॉर्मूला दिया था, वी नॉट अपॉन 4π आई अपॉन डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये फॉर्मूला यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. वो आ जाएगा आपका स्ट्रेट कंडक्टर के लिए. वो हो जाने के बाद सोलेनॉइड बन जाएगा. उसके पहले आप सीखोगे एम्पियर सर्किट लॉ, तो उसका भी करोगे. उसके बाद सोलेनॉइड एप्लीकेशन करोगे, उसका स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आर इज इक्वल टू जीरो, आर लेस देन आर, आर इज इक्वल टू आर एंड आर इज ग्रेटर देन आर, वो रेडियस का, वो आप कर सकते हो. उसके बाद में सोलेनॉइड का फिर से एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके जो हमने किया है उसका एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन, एम्पियर इन लूप कैसे लेते हैं, टोरॉइड कैसे यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन कैसे करते हैं, इसके ऊपर आएगा. और लास्टली अपना जो एक पॉइंट है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर. आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस. तो ये सब मिलके आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जितना मेरे को हो सके उतना मैं आपको एक्स्ट्रा देते जाऊँगा. तो आज के लिए मैं टॉपिक तो चालू करके लेता हूँ, इसके बाद आपको मैं एक छोटा सा वीडियो डाल के रखूँगा. व्हेनेवर यू विल गेट टाइम you may see that video and you may solve your problems.
इसके बाद में ये वीडियो देखने के बाद में भी आपको अगर शीट में कोई प्रॉब्लम है यू मे आस्क नो प्रॉब्लम शैल वी स्टार्ट विद दैट ओके फाइन सो नाउ बेटा वी विल गो इन क्लासिकल मैग्नेटिज्म सो वी विल सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट सो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट जो अपना नेचर में होता है उसको बोलते हैं लोडस्टोन कि आपको नाइन्थ में आपने सीखा हो लोडस्टोन ये नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट होते हैं नेचुरली फॉर्म मैग्नेट तो अपने पास होते हैं ये इसको बोलेंगे हम नेचुरल मैग्नेट इसको क्या बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज दैट वी विल ऑलवेज रिलाय ऑन द नेचुरल मैग्नेट नॉट नेसेसरी वी कैन ऑल्सो हैव आवर ओन मैग्नेट्स दैट वी आर यूजिंग इन अवर लेबोरेटरीज फॉर एनी ऑल गैल्वेनोमीटर्स वोल्टमीटर्स एमीटर्स एवरीवेयर इट इज देयर अपने कॉइल में होता है अपने फैन में जिसके ऊपर वाइंड होती है कॉइल मोटर में होता है जनरेटर में होता है हर जगह आपको मैग्नेट तो मिल जाएगा आपका सीधा हेडफोन भी है हेडफोन में भी आपको मैग्नेट मिलेगा इफ देयर इज नो मैग्नेट नो साउंड बॉक्स विल बी पॉसिबल नो साउंड बॉक्स विल बी पॉसिबल नो नो व्हाट वी कैन से एनी स्पीकर इज पॉसिबल स्पीकर में होता है अपना मैग्नेट हेडफोन में होता है हाँ अपना अल्टरनेटर में होता है मतलब जनरेटर वो सब इसमें होता है तो मैग्नेट कैसे उसका वर्क करता है व्हाट इज द प्रिंसिपल हाउ द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन सी तो इसको बोलने के लिए हम चलेंगे बार मैग्नेट की तरफ सो पहले हम सीखते हैं नंबर वन पॉइंट विच इज अवर बार मैग्नेट सो एज वी विल लर्न फॉर द बार मैग्नेट कैसे दिखाते हैं बार मैग्नेट दिखाने के लिए आप ऐसे उसको दिखा सकते हो रेक्टेंगुलर इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल इसको बोलेंगे साउथ पोल ये जैसा आपको आपने जो पहले सीखा है वही करेंगे लेकिन थोड़ा उसको एक्स्ट्रा में क्या होता है कैसे होता है ये सब चीज अभी हम देख लेंगे तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कंसिडर किया था और उसको क्या बोले थे ये एक निगेटिव चार्ज है दिस इज वन पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसे ही इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल तो भी पहले इसका मीनिंग समझ के लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल यहां पे पोल कौन सा है यहां पे पोल का मतलब है आपके दो चार्ज एक चार्ज कैसे बनेगा बेटा आपका निगेटिव चार्ज उतने ही वैल्यू का उतने ही मैग्नेट्यूड का दूसरा बनेगा पॉजिटिव चार्ज तो वी आर हैविंग टू चार्जेस हियर वन इज माइनस वन इज प्लस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस वी आर कॉलिंग इट एज डाइपोल लेंथ तो यहां पे ये जैसे हमने निकाला वैसे ही इन ऑर्डर टू स्टडी द मैग्नेटिक डाइपोल अपन को स्टडी करना पड़ता है दो तीन पॉइंट व्हाट आर दोज पॉइंट्स नंबर वन पोल्स कौन से होते हैं नॉर्थ एंड साउथ तो पोल्स कितने होते हैं टू पोल्स इसीलिए उसको बोलते हैं डाइपोल उसको होते हैं टू पोल इसके लिए उसको बोलते हैं डाइपोल तो ये हमने सीखा डाइपोल क्यों होता है क्या मोनोपोल एग्जिस्ट करता है मोनोपोल इज देयर एनी मोनोपोल तो इसका एग्जिस्टेंस के लिए हम सीखेंगे तो द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली नो द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली नो
कोई भी टाइप का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको सीखने के लिए हाउ वी कैन स्टडी दैट, जैसे हमने आपको बताया था, फिर से हम चार्ज में जाते हैं। सपोज आई विल मेक अ स्टेटमेंट, आई हैव 1 coulomb ऑफ पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज माय स्टेटमेंट? आई हैव 1 microcoulomb ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नाउ यू विल आस्क मी और यू विल थिंक, अदरवाइज लेट मी आस्क यू बड़ा, इफ यू वॉन्ट टू हैव 1 microcoulomb ऑफ चार्ज पॉजिटिव, वॉट यू हैव टू डू, वॉट यू हैव टू डू फॉर दैट, यू हैव टू डू फॉर दैट इज यू मस्ट गेट अ सरफेस फ्रॉम विच सम इलेक्ट्रॉन्स विल आइदर मूव फ्रॉम दैट सरफेस टू आउट, देन यू विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर 1 microcoulomb चाहिए तो क्यू इज इक्वल टू एनी डालोगे, e की जगह -1.6 × 10⁻¹⁹ डालोगे और आपका q की जगह आप 1 × 10⁻⁶ डालोगे, तो आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो अपन को ये मालूम है किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो सरफेस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज उधर होता है। तो इतना ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए कोई तो सरफेस ऐसा होना चाहिए जहां पे देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी आपको मालूम है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बैंक का आपको एग्जांपल बार बार देता हूं मैं, अगर बैंक में लोन लेने के लिए कोई नहीं है, लोन लेने के लिए कोई नहीं है तो बैंक, क्या बैंक लोन दे सकता है? इफ नोबडी इज गोइंग ओवर देयर टू गेट अ लोन, विल बैंक गिव द लोन? नो, नॉट पॉसिबल। तो बैंक है तो बैंक के लिए लोन लेने वाला भी कस्टमर चाहिए। द सेम थिंग, इफ ऑन दिस सर्फेस आई हैव टू मेक अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसको अगर एक पोल पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसे दो पोल कंसिडर किया, तो यहाँ पे भी एक रेगुलर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके साथ साथ नेचर में कहीं तो भी एक निगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करना, इट्स वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही अगर आपको मैग्नेट चाहिए, इफ यू वॉन्ट अ मैग्नेट, देन इट इज वेरी नेसेसरी टू डील विथ नॉट अ मोनोपोल बट मैग्नेटिक डायपोल। तो वॉट इज माई स्टेटमेंट? यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज, इफ देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ पोल, देर विल श्योरली एग्जिस्ट अ साउथ पोल इन ऑर्डर टू गेट अ मैग्नेटिक डायपोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड नाइसली ऑन दिस टॉपिक। तो आगे चलते, थोड़ा आगे की बात है। आज तो हम सीखेंगे जो आपने ऑलरेडी सीखा है, लेकिन थोड़ा उसको डीप में जाके पढ़ें। तो पोल हो गया, तो अलग से आगे की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। सिंपली उसको बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, मतलब आपका मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, उसका मैग्नेटिक फील्ड, और कितना वीक है इसका, ये पोल स्ट्रेंथ है। दिस इज द मेजर ऑफ हाउ मच योर मैग्नेट मैग्नेट इज स्ट्रांग और वीक। सो पोल स्ट्रेंथ, इट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रांगनेस और वीकनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ गिवन मैग्नेटिक डायपोल। तो अपना पोल स्ट्रेंथ क्या बताया था आपको? पोल स्ट्रेंथ बता देता है हाउ मच इज either strong or weak what magnetic field kiska aapke magnetic dipole ka. So it will be the measure of the strongness or weakness of the magnetic field for a given magnetic dipole. agar aapka north pole hai
उसके लिए आपका पोल स्ट्रेंथ आता है प्लस एम। अगर आपका नॉर्थ पोल है उसके लिए आता है आपका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, और अगर आपका साउथ पोल है, साउथ पोल है तो उसके लिए आता है आपका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। तो फॉर द नॉर्थ पोल आवर पोल स्ट्रेंथ विल बी प्लस एम, एंड साउथ पोल है तो उसके लिए पोल स्ट्रेंथ बनेगा माइनस एम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन, यू हैव टू नोट इट डाउन। फॉर नॉर्थ पोल पोल स्ट्रेंथ विल बी प्लस एम, अगर आपका साउथ पोल है उसके लिए बन जाएगा पोल स्ट्रेंथ माइनस एम। और गेटिंग माय पॉइंट, तो पहला पॉइंट पोल्स, पोल्स कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है नॉर्थ एंड दूसरा होता है साउथ, इसीलिए उसको टू पोल्स होते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं डाइपोल। स्ट्रेंथ आपने क्या देखा है? पोल स्ट्रेंथ। तो ये कैसे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज मैग्नेटिक लेंथ। थर्ड थिंग होता है आपका मैग्नेटिक लेंथ। तो ये जो आपका मैग्नेट है, वॉट एवर इज योर मैग्नेटिक डायपोल नॉर्थ एंड साउथ, तो आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट whatever is your north and south pole, they are never appearing exactly at the ends of the bar magnet. तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तो ये बातें हमने 9th में 10th में नहीं सिखा थी, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अभी सीखी। Positions of north and south pole are never exactly at the ends. तो कैसे दिखते हैं? थोड़ा सा slightly अंदर की बाजू में उसको treat करते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। तो ये जो डिस्टेंस बनता है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसको हम लेते हैं जैसा उधर हमने लिया था 2a, इसको लेते हैं हम 2l और 2 स्मॉल l कुछ भी। तो मैग्नेटिक लेंथ इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल is called as the magnetic length. So first we have studied what is the magnet, what is the bar magnet, why it is called as magnetic dipole, why there is no existence of monopole. Then humne sikha what are the poles, north south. Then humne sikha hai what is the pole strength, what is the pole strength for the north pole, it is plus m. What is the pole strength for the south pole, it is minus m. Uske baad mein humne sikha what is mean by the magnetic length. Today हमने क्यों सीखा है? तो पिछले वाले टॉपिक में भी आपको मैंने एक नया वाला एक टर्म सिखाया था, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल इट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट टर्म वी विल स्टडी विल बी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, पी होता है ना, पी इज इक्वल टू 2q इंटू ए, है ना, मतलब क्यू इंटू 2a, ये जो होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसे ही अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, वैसे ही अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, इसको बोलते हैं एन इज इक्वल टू m is equal to small m into 2l. तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए क्या हम डिफाइन कर सकते हैं?
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे लिख सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ। इसका डेफिनेशन कैसा बनेगा, इट इज द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक लेंथ। तो ये कैसे बन जाएगा, ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा के वन मिनट ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्ब। तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा m इज इक्वल टू 2 ml, m इज इक्वल टू 2 ml। ओके नाउ इफ वी विल कंसिडर इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द मैग्नेटिक डायपोल, अभी हम फिर से देखते हैं जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था। अगर मैं एक डायपोल लिया, सो सपोज आई हैव टेकन वन डायपोल, और मैंने आपको दिया, क्या दिया, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मैग्नेटिक लेंथ मैंने आपको एल दिया, और मैंने बताया प्लस एम, ये माइनस है, तो आपको लिखते समय आपका इतना ही आएगा, एम एल आएगा, क्यों, बिकॉज इट इज गिवन एज एल। अगर ये 2L दिया है तो आपको 2L लेना पड़ेगा, आपको खुद से लिया तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो आई विल सजेस्ट यू दैट डोंट बी गेटिंग एनी मिसअंडरस्टैंडिंग about the magnetic length, most of the times it is taken as 2L, कभी कभी किसी किसी बुक में वो L भी देते हैं, most of the times वो क्या करते हैं, ये capital है इसको small कर देते हैं और इधर small 2 ml देते हैं, और 2L को वो capital L बोलते हैं। तो कभी कभी आपका 2 ml की जगह आपका magnetic length ऐसे भी आ सकता है ml, so both are correct। जहां पे आप L 2L ले लेंगे वहां पे आपका ये करेक्ट होगा, जहां पे आप 2L डायरेक्टली लोगे वहां पे वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो अपने लिए हम उसको कैसे भी स्मॉल कैपिटल उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट इज नॉट अ बिग इशू, वी कैन डू दैट। तो बाद में बात करते हैं, व्हाट विल डू फॉर दैट इज तो ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, अभी हम बात कर रहे थे, इसका प्लस एम ले लेंगे, इसका माइनस एम ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना ले लेंगे आप, ये 2L एंड m विल बिकम 2 ml हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इसका डिरेक्शन कैसे आएगा, डिरेक्शन जैसे हमने बताया था, डिरेक्शन साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो जो आपको मैग्नेट है उस मैग्नेट के अंदर उसका डिरेक्शन रहेगा साउथ टू नॉर्थ। सेम वे वी कैन कंसीडर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी सिखाया था फॉर कॉइल। तो आपको मालूम है वो, अगर ये कॉइल है इसमें से करंट जा रहा है आई, तो ये करंट ऐसे जाएगा उसका, तो यहाँ पे उसका मिलेगा नॉर्थ, यहाँ पे मिलेगा उसका साउथ, ये रहेगा उसका
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एम। तो ये कैसे चलेगा, एम इज इक्वल टू एन आई ए। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, आई बोले तो करंट थ्रू द कॉइल, और ए बोले तो एरिया ऑफ कॉइल। तो अगर ये वाला एरिया ले लोगे, हाँ, तो एरिया वेक्टर कौन सा आएगा, ये। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो दिस इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उसका डायरेक्शन कैसे लेते हैं, उसका डायरेक्शन हम लेते हैं इस यहाँ से भी, साउथ से नॉर्थ। तो यू मे नोट डाउन दिस ऑल थिंग्स, ओके, इसको नोट डाउन करो, ओके। इसके बाद में हम जाएंगे नए पॉइंट के लिए, और वो नया पॉइंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पॉइंट का नाम क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर टाइम को मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, आपको हर टाइम को इसका ख्याल रखना पड़ेगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए हमने डिफाइन किया था, इट इज अ पाथ अलोंग व्हिच अ प्री पॉजिटिव चार्ज मूव, ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बताएगा, इट इज, अभी अपने बार मैग्नेट के लिए लेते हैं, तो अगर मैंने शॉर्ट लिया, मैंने शॉर्ट डायपोल लिया, शॉर्ट मतलब छोटा वाला जिसका मैग्नेटिक लेंथ छोटा है, सब, तो क्या बन जाएगा बेटा, अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो पहले मैं यहाँ से चालू करूँगा, स्टार्ट विद दिस। तो अगर मेरे को यहाँ से चालू करना है, तो पहले वाला फील्ड लाइन यहाँ से आएगा, वो ऐसे आएगा, दूसरे वाला थोड़ा ऐसा दिखाएंगे, तीसरे वाला थोड़ा ज़्यादा टेट दिखाएंगे, और यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, सो उनको क्या बोल सकते हैं, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स स्टार्टिंग एट नॉर्थ पोल एंड एंडिंग एट साउथ पोल, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स स्टार्टिंग एट नॉर्थ पोल एंडिंग एट साउथ पोल। सो एज सीन फ्रॉम लास्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर वन फील्ड लाइन्स, दे आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स, दे आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। सेकेंड इज They start at North Pole and end at South Pole. So, this is outside the magnet. If I am looking for the outside part of the magnet, what we will get?
द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दे विल स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड दे विल एंड एट साउथ पोल. सो द डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट कैन बी टेकन एज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नंबर थ्री, इनसाइड द मैग्नेट inside the magnet they go from south to north. So this is the important thing to note down. Agar aapka magnet ka outside area dekh lenge, outside mein it will be starting at north pole and ending at south pole, so it will go from north to south. But if we'll go inside the magnet, it will be from south to north. And the thing which we have priorly noticed about the direction, मैंने क्या बोला था आपको? Their direction कैसे होता है? The direction will be along the tangent to the given point. वो मैंने अभी आपको बताया. तो number four. अगर आपको कौन सा भी पॉइंट दिया तो उस पॉइंट को अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन वो मैंने बताया था, लेकिन आपको अभी इधर लिखने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट ऑन द कर्व is always along the tangent to the curve at that point. तो कैसे निकालेंगे हम? Suppose आपको ठीक से करके दिखाता हूँ मैं. Suppose मेरा है magnet है, ये north pole है, और इस पॉइंट को मुझे निकालना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस पॉइंट को निकालना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल ट्राई टू नोटिस हाउ द फील्ड लाइन इज गोइंग इन दैट रीजन. नोटिस करने के लिए मैं देखूंगा फील्ड लाइन कैसे जा रही है. इन दैट रीजन तो ऐसे जा रही है और इस रीजन में ऐसे जा रही है. तो डायरेक्शन कैसा होगा? नॉर्थ से गोइंग आउट और यहां पे भी ऐसे जाएंगे. तो अभी हम क्या करेंगे इस पॉइंट को एक टेंजेंट बनाते हैं. इस पॉइंट को तो टेंजेंट एक कर्व है, इसलिए टेंजेंट लिखाने का जरूरत नहीं. डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, अगर इसको मैं बोला पॉइंट ए, इसको बोला पॉइंट बी, इसको बोला पॉइंट सी, तो ये बी का डायरेक्टली हो जाएगा. इसको कुछ अलग सा बोलते हैं, एक्स वाई जेड बोलते हैं, एक्स वाई एंड जेड. तो बी एक्स कैसा चलेगा? बी एक्स यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे भी मैं एक टेंजेंट बना देता हूँ. यहाँ पे बेटा ये सॉरी बी वाई हो जाएगा, ये बी वाई, ये बी एक्स और यहाँ पे बी जेड. Now, so from this we can get the correct idea of magnetic field lines and how we can find out the magnetic field at the given point. So, as you can see here, this is the magnetic field line. This is my point X.
दिस इज माई पॉइंट वाई एंड दिस इज माई पॉइंट जेड. सो फॉर एक्स वॉट वी कैन डू, द कर्व इज देयर, वी कैन हैव अ टेंजेंट टू द कर्व एंड अलोंग द टेंजेंट. लेकिन यहां पे आपको दो पॉइंट है, क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट है, ये मेरा लाइन इधर भी जा सकता है और ये मेरा लाइन इधर भी जा सकता है. सो व्हाट आई कैन डू इज दैट, यहां पे ये डायरेक्शन ऊपर है तो मेरा डायरेक्शन ऐसे बन गया, और यहां पे ये डायरेक्शन ऐसे चल रहा है तो ये बन गया ये ऐसा डायरेक्शन. तो अभी साउथ के लिए भी वैसा, कौन से भी पॉइंट ले लो, यहां पे अगर मैं पॉइंट ले लूं साउथ के लिए भी, यहां पे अगर पॉइंट ले लूं तो जो कुछ टेंजेंट है उसके अलॉन्ग उसका डायरेक्शन. सो आई मीन टू से हियर वी विल हैव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट विच विल बी ऑन द कर्व, ओके, अलॉन्ग द टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलॉन्ग द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. So we have discussed main important properties. Number one, they are continuous closed curves. Second, they start at North Pole and they end at South Pole outside the magnet. Inside the magnet, they start from South Pole, end at North Pole. Now we will go for the next one, which is somewhat important. You just try to note it down. Now we will concern about the some more properties of magnetic field lines. तो अभी मैंने बताया direction of the magnetic field at given point. Direction of magnetic field at given point will be along the tangent to the curve at that point. Sorry. So, fifth property है, no two field lines, same जैसे हमने electric field में सीखा था, no two field lines intersect each other. ये same हो जाएगा. Important, इसको 5-star बना के रखो. Important is no two field lines intersect each other. तो हम पहले ऐसा सोचते हैं, अगर दो field line intersect करते हैं, suppose the two field lines intersect each other. So what will happen if two field lines, ये पूरा एक properties वगैरह है इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, field lines intersect each other, क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये एक नंबर का फील्ड लाइन है, सपोज यहाँ पे एक दूसरा फील्ड लाइन आया और उसने इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे ये मेरे को मिल गया B और ये भी मिल गया B, तो क्या मिल जाएगा, इसके वजह से ये B इधर मिलेगा, इसके वजह से B इधर मिलेगा, इसको शायद मैं बोलता हूँ B1, B2, इसको बोलता हूँ 1, 2. तो ऐसे ये आपको कतई नहीं होगा ना बेटा, ये एक दो है, तो मैं इसका क्या करूंगा, मेरा तो B2 और B1 मिलके मेरे वेक्टर्स में मेरा एक ही डायरेक्शन आता है ना, तो यहां पे दो आ रहा है, ये तो नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों का मिलके ऐसे नहीं हो सकता. तो अगर वो हो भी गया, इट मीन्स दैट वी आर गेटिंग ओनली वन. सो अगर दे आर, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, देन इट मीन्स दैट इफ टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये क्वेश्चन आता है आपको, CBSE में आता ही है,
many times they are asking why no two field lines intersect each other. If they the field lines intersect each other, then we get two directions of magnetic field. At given point, अगर एक पॉइंट को दो डायरेक्शन मिल रहा है वो गलत है. कोई भी पॉइंट को आपको एक एंड वन एंड ओनली वन डायरेक्शन मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज नॉट पॉसिबल. हेंस टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो अगर दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देन वी विल गेट two directions of magnetic field at that point. So we can say that no two field lines intersect each other. So that is the answer. So we will go for next property. The region where field lines are crowded, the region where फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड उसको क्या बोलते हैं, हैज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. एंड द रीजन वेयर द फील्ड लाइन्स आर वेल सेपरेटेड हैज वीक मैग्नेटिक फील्ड. वीक का मतलब इसके ये जो स्ट्रांग है इसके कंपैरिजन में अगर हम लिखेंगे उसको हम वीक बोलेंगे. कैसे दिखाएंगे? सपोज ये मेरा मैग्नेट है, सपोज दिस इज माय मैग्नेट एंड मैंने फील्ड लाइन बना दिया. तो अगर मैंने ये एरिया दिखाई दिया मेरे को और ये एरिया मैंने दिखा, तो इस एरिया में देखो, इन दिस एरिया द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड. तो अपन को प्रैक्टिकली भी मालूम है मैग्नेट के समीप, इन द नियरर रीजन ऑफ द मैग्नेट, इन द नियरर विसिनिटी ऑफ द मैग्नेट, व्हाट हैपेंस इफ यू आर वेरी नियर टू द मैग्नेट, द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड. सो इफ द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड इट मीन्स दैट द रीजन विल हैव मोर मैग्नेटिक फील्ड. ऑन द अदर हैंड if the field lines are well separated, the region has less magnetic field. Okay, so that all was about the properties of magnetic field lines. So humne kya sikha, they start from north pole, end at south pole outside the magnet. Second one, they start from south pole, end at north pole inside the magnet. They are the continuous closed loops, continuous closed curves. Next, they don't intersect each other. Why? If they are intersecting each other, we will get two directions of magnetic field at a point, which is not possible. Crowded field lines, stronger magnetic field. And the separated field lines has comparatively less strong magnetic field. Matlab, usko weak bol sakte. Are you getting my point? So that was all about the magnetic field lines. Okay. And the direction of magnetic field, the direction of magnetic field can be calculated by drawing the tangent to the curve at that point. So that was all about the magnetic field lines. Okay, now we'll again go for our magnetic dipole moment. Okay, we'll go for magnetic dipole moment. Which we will see for more than one. तो उसके लिए अपन को एक चीज ध्यान में रखना हो, वो क्या चीज है? Suppose if we cut the magnet, हमने क्या किया? If we cut the magnet
into two parts. If we cut the magnet into two parts, case one, ये मेरा मैग्नेट है बेटा, बेटा ध्यान से देखो, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स द बोर्ड. दिस इज माई मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल. इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, प्लस एम, इसका माइनस एम. ये डिस्टेंस कितना ले लेंगे, टू एल, टू एल या एल, जो कुछ आपको मर्जी लगे वो. केस टू, इसको भी लिख के रखता हूं. Suppose I will cut the magnet into two parts in this way. इसका कैसे पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा बेटा, m is equal to 2ml. तो along the horizontal axis, so cut along horizontal axis. अगर इसको horizontal axis के along cut किया तो क्या बन जाएगा, magnetic length तो उतना ही रहेगा बेटा, magnetic length उतना ही रहेगा, लेकिन so 2L will not change, है ना बेटा, 2L will not change, but पोल स्ट्रेंथ, देखो बेटा यहां पे पोल स्ट्रेंथ विल बी हाफ, पोल स्ट्रेंथ विल बी हाफ, पोल स्ट्रेंथ हाफ बन जाएगा. तो अगर इसका इसका एम डैश निकालेंगे तो एम डैश कितना आएगा बेटा, एम डैश विल बी एम बाई टू इंटू टू एल, कितना बनेगा एम एल. क्या ये मतलब होता है एम बाई टू. So, if we cut the magnet into two parts horizontally, the magnetic moment, है ना, magnetic dipole moment क्या हो जाएगा, will become half. अगर उसको horizontally cut करते हैं, अगर हम उसको horizontally cut करते हैं तो अपना magnetic dipole moment कितना हो जाएगा, half हो जाएगा. अभी दूसरा केस लेते हैं. दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में वैसे ही मैग्नेट ले लो बेटा, लेकिन उसको वर्टिकली कट करो. अभी तो वर्टिकली कट करने का मतलब क्या है बताता हूं. वर्टिकली कट करने का मतलब है ऐसा, तो इसको ऐसे कट किया तो भी क्या बन जाएगा, ये तो मैग्नेट का ये तो पूरा हो जाएगा ना, ये तो मेरा पोल स्ट्रिंग नहीं बदलेगा, ये नॉर्थ ये साउथ बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ ये साउथ. तो पोल स्ट्रिंग उतना ही रहेगा, प्लस एम माइनस एम, प्लस एम माइनस एम, लेकिन वॉट एवर इज माई टू एल ना, ये पूरा टू एल है, ये बन जाएगा एल, ये बन जाएगा एल. तो अगर ये एल बन गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा अपना, टू एम एल, ये इनिशियल. अभी फाइनल निकाल के देखते हैं, इसके लिए देखते हैं हम m डैश कितना आएगा, पोल स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा, इनटू मैग्नेटिक लेंथ कितना पड़ेगा, टू सॉरी l पड़ेगा, तो एम एल पड़ेगा. तो फिर से m डैश इज इक्वल टू m बाय टू. तो बेटा इन बोथ द केसेस वी आई एम पी, इसको वी आई एम पी लिख दो, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है आपको, इसको ठीक से नोट डाउन करके रखो, इसको भी बोलो वी आई एम पी. तो बेटा समवेयर इफ वी आर कटिंग द मैग्नेट आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, सो अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इफ यू आर कटिंग, और इफ यू आर कटिंग इट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, व्हाट विल हैपन इन ईच केस, आवर पोल स्ट्रेंथ, तो हियर ऑल्सो मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट will become half. यहाँ पे भी magnetic dipole moment will become half. So दोनों भी केस में dipole moment आपका half बन जाएगा. But the thing is that the difference is that in first case
इट विल बिकम हाफ ड्यू टू द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल विल बिकम हाफ. पहली केस में पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल विल बिकम हाफ. दूसरे केस में क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक लेंथ विल बिकम हाफ. दूसरी केस में मैग्नेटिक लेंथ विल बिकम हाफ. पहली केस में क्या हो जाएगा बेटा, पोल स्ट्रेंथ विल बिकम हाफ. सो यहां पे दिस विल बिकम m by 2, दैट इज व्हाई यू विल गेट m डैश इज इक्वल टू एम एल एम बाई टू. यहां पे आपका m तो वही रहेगा बट दैट 2l था वो 2l by 2, दैट इज l बन जाएगा, इसकी वजह से आपका बन जाएगा एम एल. सो प्लीज बेटा नोट इट डाउन. Now, after this, we will try to go for the next point. ये बन गया सिंगल मैग्नेट के लिए. ये क्या बन गया, सिंगल मैग्नेट के लिए. अगर हम एक से ज्यादा दो मैग्नेट लेते हैं, दो मैग्नेट और उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, then what will happen? That we have to see. So now we'll study one more important part, VIMP, once again VIMP, that is magnetic dipole moment for two magnets. So we'll write resultant magnetic dipole moment for two magnets, तो बेटा क्या करते हैं, अभी दो मैग्नेट अलग अलग ले लेते हैं. मतलब क्या, आई विल टेक फर्स्ट मैग्नेट लाइक दिस, एंड आई हैव टेकन सेकेंड मैग्नेट लाइक दिस. यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ. नहीं यार, यहाँ पे साउथ लेता हूँ, आपको समझने के लिए ठीक चलेगा. तो बेटा इक्वल बोलते हैं इसको. सेम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो सपोज ये दोनों का भी सेम है. लेट m1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू से m. तो यहां पे क्या बन जाएगा, पहले का साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, तो वही बन जाएगा आपका. ये बन जाएगा m1, ये बन जाएगा m2, बट m1 इज इक्वल टू m, ये भी कितना है m. तो इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन टेक बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स, कैन आई से दैट, ऐसा बोल सकता हूं मैं के रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां से आएगा, ऐसे आएगा. हाँ क्यों नहीं बोल सकता. ओके सो लाइक दिस, सो दिस विल बी माय एम नेट विल बी कितना आएगा बेटा, रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर, रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर. लेकिन m1 m2 दोनों का भी वैल्यू सेम है, तो क्या मेरा m नेट आएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर उसका रूट, तो क्या मेरा m नेट आएगा 2m स्क्वायर उसका रूट, तो क्या मेरा m नेट आएगा रूट 2m, वेयर m इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी m इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट. ये बन गया आपका केस वन. तो
बेटा इसके जैसे आप कितने भी केस बना सकते हो। तो इसके जैसे केस बना बना के आप उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। और एक केस लेते हैं, ये कितना, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री। ओके, जस्ट नोट डाउन दिस, हटाओ इसको, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, आई विल टेक नाउ अनदर केस, आई टेक द अनदर केस, केस टू। केस टू में क्या करता हूं, अगर मैं ऐसे कर देता हूं, ये भी दो सेम है, हा? इसको सेम देता हूं, ठीक है, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, और यहां पे एंगल 30 कर देता हूं। तो आपको अभी समझ में क्या हो जाएगा, एम नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एम वन, सॉरी ये डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ओके, एम नेट कैसे बन जाएगा, वेक्टर एडिशन, ये बन गया मेरा एम वन, ये बन गया एम टू। ये अभी डायरेक्ट, इसको एम नहीं लिखता, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला देता हूं, कैसे बन जाएगा रूट ऑफ, ये देखो फ्रेंड्स, इन योर 11th क्लास आई टोल्ड वेक्टर्स जो है यू हैव टू लर्न इट विथ अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो जिन्होंने वेक्टर का एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम सब ठीक से किया है, उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिसने नहीं किया है उसको दिक्कत आएगा। सो आपके फ्रेंड्स को भी बताओ 11th के कि हाउ मच योर वेक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस 2m1m2 cos 30 बन गया। केस में अगर कौन सा भी लेता हूँ, कौन सा भी एक एंगल लेता हूँ, हाँ कौन सा भी एक एंगल लेता हूँ, उसको मैं थीटा बोलता हूँ। तो इसको अगर मैं थीटा बोला तो इसके लिए एम नेट जनरल क्या बन जाएगा, ये जनरल रिजल्ट मेरा बन जाएगा, माय जनरल रिजल्ट विल इन जनरल क्या बन जाएगा, एम नेट विल बी रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस 2m1m2 cos थीटा बन गया। ये मेरा बन गया जनरल रिजल्ट। सो ये आएगा आपका एम नेट। सो बेटा इन दिस वे वी हैव स्टडी हाउ टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट वेन एवर the two dipoles are placed at different angles। अभी आपके लिए आज का सवाल है, ये है क्या होगा आज का सवाल, अगर मैंने दो मैग्नेट को ऐसे रखा, सॉरी एक को ऐसे रखा साउथ नॉर्थ, जस्ट थिंक ओवर इट, टुमारो आई विल आस्क यू द प्रॉब्लम। तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, बोथ आर क्या बोलते हैं इसको, सिमिलर मैग्नेट्स जोड़िए, सेम है, what will be, then let me know what will be m net magnitude as well as direction question mark। So I want to know what will be the net magnetic moment in this figure, aur ye aapko aaye to ye case 1, to homework 1 aayega, case 2 bana deta hu aapke liye, ये साउथ ये नॉर्थ बन गया, और यहाँ पे ये वाला ऐसे बन गया, सपोज साउथ नॉर्थ, ये ऐसा बन गया, इसको बोलता हूँ केस 2। आप इसके अलग अलग कितने भी केसेस बना सकते हैं। तो बेटा होमवर्क 1,
एंड होमवर्क टू यू हैव टू डू व्हाट विल बी द, और ये सिमिलर है, बोथ आर सिमिलर मैग्नेट्स। अगर ये सिमिलर मैग्नेट है तो इन दोनों का मिला के नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर। इफ पॉसिबल आई विल बी अपलोडिंग, आई टोल्ड यू ना अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है वो ये हफ्ते में आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, वॉट एवर इट इज़ देयर, आई विल ट्राई टू अपलोड द प्रॉब्लम्स फॉर द प्रैक्टिस। आई होप कल का शीट जो दिया है आपने किया होगा, आई आस्क फॉर दैट, ओके श्योरली, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेम। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।